हेलो फ्रेंड्स, कविता हियर एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं अंडा भुर्जी पाव। यह है मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड। इसे बनाना तो बहुत ही आसान है, सिंपल भी है, टेस्टी भी है, डिलीशियस भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी, अंडा भुर्जी पाव। एग भुर्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 चॉप किया हुआ प्याज, 2 चॉप किया हुआ टमाटर, 1 बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, 1/2 इंच अदरक, 3-4 लहसुन और 1 क्रश किया हुआ हरी मिर्च एंड कोरिएंडर स्टेम लिया है। यहाँ पैन में 1 टेबलस्पून तेल और 2 क्यूब्स ऑफ बटर डाल के इसमें हम डालेंगे क्रश किया हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और उसे 2-3 सेकेंड्स तक सॉल्ट करके अच्छे से भून लेंगे। 2-3 सेकेंड्स के बाद हम डालेंगे प्याज, 3 चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे और इसे हाई फ्लेम में हम भून लेंगे। याद रहे हम स्ट्रीट फूड बना रहे हैं, सो इसको हाई फ्लेम में रख के जल्दी से पकाना है। 2-3 मिनट के बाद प्याज का कलर चेंज होते ही हम डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और इसे अच्छे से भून लेंगे 2-3 सेकेंड्स तक। उसके बाद हम डालेंगे 2 चॉप किया हुआ टमाटर, इसे भी मॉइस्ट होने तक और सॉफ्ट होने तक अच्छे से भून लेंगे। इसी के साथ हम डालेंगे कोरिएंडर स्टेम। कोरिएंडर स्टेम गिव्स अ नाइस टेस्ट टू द एग भुर्जी। Whenever you are trying this recipe, do try it with coriander stem and do let me know how is the taste. 2-3 मिनट तक continuously stir करके टमाटर को पकाने के लिए छोड़ देंगे। We have to fry tomatoes till it gives a soft texture. हमने यहाँ प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च को अच्छे से भून लिया है। अब चलते हैं मसाला की ओर। मसाले में मैंने 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून काले मिर्च पाउडर डाल के 1 मिनट तक इसे हाई फ्लेम में भून लेंगे। मसाला दिखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रही है। लेट्स स्टार्ट एडिंग द एग्स नाउ। एज शोन इन द वीडियो, ऐड द एग्स 1 by 1। मैंने यहाँ बॉल में फोड़ के लिया है, आपको चाहिए तो डायरेक्टली आप पैन में भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ 5 अंडे लिए हैं। सब अंडे डालने के बाद इसे लगातार चलाते रहें। याद रहे इसे तो फटाफट मिलाना रहता है। इसके ऊपर हम स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे अच्छे से मिलाएंगे। 2 मिनट तक इसे लगातार मिक्स करेंगे और इसे हम तब तक मिक्स करेंगे तब तक ड्राई ना हो जाए, ऐसे ही इसे मिक्स करते रहें। यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंस ऑफ घर पे बनाए हुआ भुर्जी और ये स्ट्रीट स्टाइल का भुर्जी। ऐसा बनाने के लिए आपको गैस का फ्लेम हाई रख के थोड़ा ज़्यादा मसाला यूज़ करके लगातार भून लेना चाहिए, देन यू विल हैव द परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल ऑफ अंडा भुर्जी। अब ये हमारा भुर्जी बन गया है। आप देख सकते हैं द नाइस टेक्सचर हैज कम एंड लुक्स डिलीशियस ऑल्सो। अब हम गैस का फ्लेम थोड़ा कम करेंगे या बंद करेंगे, उसके ऊपर धनिया पत्ता डाल के गार्निश करेंगे। धनिया पत्ता डालने के बाद इसे अच्छे से एक बार मिलाएंगे, उसके बाद हम साइड में रख के हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, वो पाव टोस्ट करने के लिए। मैंने यहाँ एक पैन में 1 क्यूब बटर डाला है और उसी में पाव कट करके उसको सेक लेंगे। दोनों साइड टोस्ट होने के बाद इसे सर्विंग प्लेट में डाल के हम भुर्जी सर्व करेंगे। लेट्स डू द प्लेटिंग ऑफ पाव एंड द भुर्जी। प्लीज डू गिव अ ट्राई फॉर दिस रेसिपी ऑफ मुंबई फेमस अंडा पाव भुर्जी एंड डू अपडेट मी इन द कमेंट बॉक्स विद योर फीडबैक। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई रहेगी। ज़रूर इसे ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छी लगी तो और यूज़फुल हुआ तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए।
एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज कुक एंड बेक विद कविता. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू सून.